Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। आज हम लोग हाजिर हैं आपके सामने टू द पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कई बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम पर टू द पॉइंट का एक एपिसोड होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ इस एपिसोड में साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम के साथ, कि अलग अलग पादपों के या अलग अलग प्लांट्स के या अलग अलग एनिमल्स के क्या क्या वैज्ञानिक नाम होते हैं, जहाँ से प्रश्न जनरली एग्जाम में बनता ही बनता है। तो हम लोग देखते हैं आज अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक नेम को। तो सबसे पहला यहाँ पर जो बेसिक सवाल बनता है दोस्तों साइंटिफिक नेम में, कि ये साइंटिफिक नेम दिया किसने था, यानी कि जितने भी जीव या जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका वैज्ञानिक नामकरण किया किसने। तो याद रखेंगे दोस्तों, जितने भी जीव या जितने भी पेड़ पौधे हैं इसका जो वैज्ञानिक नामकरण किया था उस व्यक्ति का नाम था कार्लस लिनियस। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार पूछा जाता है कि कार्लस लिनियस जो है ये मतलब जो नामकरण या फादर ऑफ बाइनरी नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना दैट इज कार्लस लिनियस। और कार्लस लिनियस को ही दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वार्गिकी का पिता या क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों जीवों को जो क्लासिफाई किया था, जो जंतुओं का वर्गीकरण किया था, जो मतलब लिविंग्स को क्लासिफाई किया था, लिविंग्स का जो वर्गीकरण किया था वो किन्होंने, कार्लस लिनियस ने किया था। तो ये चीज़ याद रखें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर कई सारे मतलब प्लांट्स हैं, कई सारे एनिमल्स हैं जहाँ से जनरली एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उससे पूछे जाने वाले कौन कौन से साइंटिफिक नेम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी लोग हैं दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। यहाँ पर देखिए, जैसे पीपल है, होमो सैपियंस है लोगों का, मतलब जो मनुष्य है, लायन का पैंथेरा लियो है, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है, और ये रेड मैपल का एकर रबडम है। इसी तरह हम लोग कई सारे नाम हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों प्लांट के साइंटिफिक नेम को देखेंगे, ठीक है ना। जहाँ जैसे एप्पल की बात करें तो यहाँ पर पायरस मैलस, बम्बू का बम्बूशा, एरिडिना रिफोलिया, ठीक है ना, बनाना का मूसा पैराडिसियम, इसी तरह बनियान का फाइसस बेनगलेनिसिस, है ना। इसी तरह अलग अलग प्रकार के जो नाम हैं यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए दोस्तों सेब की बात करते हैं, तो सेब का मैलस प्यूमिला ये इसका साइंटिफिक नेम है। याद रखेंगे, इसको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, इसको जितनी बार आप याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। और जब एप्पल की बात करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे एप्पल का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। एप्पल का जो पार्ट हम लोग खाते हैं दोस्तों उसे हम लोग थैलमस कहते हैं, जो फ्लैसी थैलमस या जिसे हम लोग मांसल पुष्पासन कहते हैं। और एप्पल के बारे में दोस्तों याद रखिएगा, जो एप्पल है ये एक कैसा फ्रूट है दोस्तों, ये एक फॉल्स फ्रूट है, यानी कि एक ये झूठा फल है, ठीक है ना। जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो याद रखेंगे यहाँ पर जब एप्पल की बात करते हैं, एप्पल के अंदर एक एसिड भी पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। ये सारी चीज़ें भी आप याद रखेंगे, ऐसे भी सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों बम्बू की, तो बम्बू यानी बांस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बम्बूशा एरिडिना रिफोलिया, ठीक है ना। याद रखना है बम्बूशा एरिडिना रिफोलिया ये इसका साइंटिफिक नेम है। और बम्बू के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, लेकिन इससे भी तेजी से बढ़ने वाला पौधा एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूकलिप्टस, ये सबसे बड़ा भी पौधा होता है। और बात करते हैं दोस्तों जब बम्बू की, तो बम्बू याद रखेंगे किस प्रकार की कैटेगरी में आता है, ये घास की कैटेगरी में आता है, ये भी आपने याद रखना है। जब हम लोग दोस्तों बनाना की बात करते हैं, बनाना यानी केला, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, इस बनाना के बारे में याद रखेंगे कि इसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज मूसा पैराडिसिकम, ठीक है ना, मूसा पैराडिसिकम ये इसका साइंटिफिक नाम है। और नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेटा कहां पर है, दैट इज इन त्रिची तमिलनाडु, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगले मतलब फैक्ट पे चलते हैं। याद रखना है ब्रिंजल यानी बैगन, बैगन जो है दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम दैट इज सोलेनम मोलिंग
मेलोनगेना है ना, सोलेनम मेलोनगेना ये इसका साइंटिफिक नेम है। जब हम लोग दोस्तों कैप्सिकम या शिमला मिर्च की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे कैप्सिसम फ्रूटोसिन फ्रूटसेंस, ठीक है ना, कैप्सिकम फ्रूटसेंस ये इसका साइंटिफिक नेम है। और मिर्च से याद रखेंगे दोस्तों, मिर्च का जो लाल रंग होता है, ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिर्च का जो लाल रंग होता है दोस्तों दैट इज ड्यू टू कैप्सिथिन। और मिर्च में जो दोस्तों तीखापन होता है, मिर्च में जो तीखापन होता है ये किसके कारण होता है याद रखना है, ये होता है कैप्सिसिन के कारण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपने याद रखना है। जब हम लोग दोस्तों गाजर की बात करते हैं तो याद रखना है कैरेट का साइंटिफिक नाम है डोकस कैरोटा, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और गाजर का जो ओरिजिनल कलर होता है दोस्तों याद रखेंगे दैट इज नारंगी, और ये नारंगी कलर इसका किसके कारण होता है दैट इज ड्यू टू कैरोटीन, ये भी याद रखना है। और गाजर का जो लाल रंग होता है ना, गाजर का लाल रंग दोस्तों किसके कारण होता है तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये चीज याद रखेंगे, ये सवाल यहां से पूछा जाता है। और कैरेट जो है, कैरेट पेड़ पौधों का कौन सा हिस्सा है, तो पेड़ का ये एक जड़ है। और कैरेट की जब बात करते हैं दोस्तों तो कैरेट विटामिन ए का रिच सोर्स भी होता है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला जो हमारा साइंटिफिक नेम है दैट इज नीम। नीम का कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना है नीम का एजा डिरेक्टा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। याद रखना है नीम का साइंटिफिक नेम क्या है, एजा डिरेक्टा इंडिका। और नीम को कहा जाता है एक तरह से वाटर प्यूरिफायर कहा जाता है इसे, सॉरी वाटर नहीं, एयर प्यूरिफायर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एयर प्यूरिफायर एक प्लांट है जो कि क्या करता है, हमारे एयर को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। जब हम लोग दोस्तों ऑनियन की बात करते हैं तो याद रखना है ऑनियन यानी प्याज, जिसमें कि स्मेल जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों दैट इज ड्यू टू सल्फर। ऑनियन में जो गंध होती है ना, प्याज में जो गंध होती है वो किसके कारण, सल्फर के कारण। और ऑनियन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का तना है, ये क्या है, एक प्रकार का तना है, ये भी याद रखना। और इसका साइंटिफिक नाम है एलियम कैपा, साइंटिफिक नाम किसका है, प्याज का। नारंगी की बात करते हैं दोस्तों तो नारंगी में सबसे पहले तो याद रखना है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, है ना, कौन सा एसिड पाया जाता है नारंगी में दैट इज सिट्रिक एसिड। और नारंगी जो है विटामिन सी का अच्छा एक सोर्स है। और नारंगी का साइंटिफिक नाम है दोस्तों सिट्रस, देखिए सिट्रस फ्रूट है, खट्टा फल है, तो सिट्रस ऑरेंटियम ये नारंगी का क्या है, याद रखना है नारंगी का साइंटिफिक नाम। और भारत का जो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं, अगला याद रखेंगे टोबैको। जब दोस्तों टोबैको की बात करते हैं तो याद रखना है टोबैको में क्या पाया जाता है, निकोटीन, एक नशीला पदार्थ मिलता है ना निकोटीन, और उसी से याद रखना है आपको निकोटीना टोबैकम, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, निकोटीना टोबैकम, ये खाली बस निकोटीना आप याद रखेंगे तो आपको टोबैको का साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, निकोटीना टोबैकम इसका वैज्ञानिक नाम है। और तंबाकू की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे तंबाकू सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में। और तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों, दैट इज राजमुद्री कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ही इसको नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और तंबाके में टोबैको यानी तंबाकू में एक बीमारी होती है दैट इज मोजाइक डिजीज जो होता है दोस्तों वो किसके कारण, टोबैको मोजाइक वायरस के कारण। इसी डिजीज पर रिसर्च करते हुए इवानो वॉस्की ने किसकी खोज करी थी दोस्तों, विषाणु यानी वायरस की खोज करी थी, ये भी आपने याद रखना है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टमाटर की, तो टमाटर का याद रखेंगे टमाटर का जो लाल रंग होता है ना ये किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण। और ये लाइकोपेन अगर आपको याद रहा ना दोस्तों तो याद रखेंगे लाइकोपर्सिकन एसलेंटम ये इसका साइंटिफिक नाम है टमाटर का। और टमाटर में दोस्तों एक एसिड पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्जैलिक एसिड। इस ऑक्जैलिक एसिड की बात करते हैं तो याद रखना है इस ऑक्जैलिक एसिड का यूज किसमें किया जाता है दोस्तों, कपड़े पर इंक का दाग छुड़ाने में किसका यूज करते हैं, ऑक्जैलिक एसिड का। और यही ऑक्जैलिक एसिड कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे किडनी में क्या बनाता है, स्टोन बनाता है, या हमारे गॉल ब्लेडर में स्टोन बनाता है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। जब बात करते हैं तुलसी की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तुलसी की बात करते हैं याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंक्टम, ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है, ये भी आप याद रखना है। इसे
एक तरह से क्या कहा जाता है, औषधि वाला पौधा कहा जाता है इसे, तुलसी को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट याद रखेंगे, पाइन एप्पल या अनानास जिसे कहा जाता है, पाइन एप्पल भी इस ये भी एक प्रकार का सिट्रस फ्रूट है और ये भी विटामिन ए और विटामिन सी दोनों के ही ये सोर्स हैं। पाइन एप्पल विटामिन ए भी पाया जाता है इसमें और विटामिन सी भी पाया जाता है। और पाइन एप्पल का याद रखेंगे दोस्तों इसका नाम ये देखिए, अनानास सैटिवस, अनानास सैटिवस, ये अनानास बस याद रखेंगे आप तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनानास सैटिवस ये इसका साइंटिफिक नाम है, ये आपने याद रखना है। जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं पोटैटो की, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स है, ये पोटैटो क्या है दोस्तों, एक प्रकार का स्टेम है, एक प्रकार का तना है और नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है दोस्तों, कुफरी शिमला के पास, कुफरी शिमला के पास ये इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसका याद रखेंगे दोस्तों पोटैटो में जो हरा रंग होता है ना, कभी कभी देखते हैं पोटैटो का जो आलू होता है, आलू हरा हो जाता है कहीं कहीं से, तो ये हरा रंग जो होता है ये किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण। ये सोलेनिन याद रखना है तो आपको इसका साइंटिफिक नाम याद रह जाएगा, इसका साइंटिफिक नाम है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम ये पोटैटो का साइंटिफिक नाम है, याद रखना है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं आगे रेडिश की, यानी मूली, जो एक प्रकार का क्या है, जो एक प्रकार का जड़ है, मूली क्या है, एक प्रकार का जड़ है। और दोस्तों याद रखेंगे मूली में जो तीखापन होता है, ध्यान से समझेंगे, मूली में जो तीखापन होता है दोस्तों ये किसके कारण होता है, याद रखना है मूली में जो तीखापन होता है वो होता है आइसोसाइनेट के कारण, किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण। और इसका साइंटिफिक नाम है रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस ये मूली का साइंटिफिक नाम है दोस्तों, ये भी याद रखना है। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग बात करते हैं दोस्तों अब इसके आगे, तो याद रखना है इसके आगे की बात करें तो मैजा यानी मक्का, मक्का जो होता है, मक्का का साइंटिफिक नाम है दोस्तों जी मेज, जी मेज जो है ये मक्का का साइंटिफिक नाम है। और मक्का का याद रखेंगे दोस्तों, मक्के में परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, यानी पॉलिनेशन जो होता है मक्का में वो किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। और मक्के के अंदर ही याद रखेंगे एक जीन की खोज करी थी, जंपिंग जीन, इसकी खोज करने वाली कौन थी जंपिंग जीन की, बारबारा मैकक्लिंटॉक, बारबारा मैकक्लिंटॉक ने मक्के में ही किसकी खोज करी थी, इसी में जंपिंग जीन की खोज करी थी, ये भी याद रखेंगे। जब हम लोग आम की बात करते हैं तो आम का याद रखेंगे दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और आम के बारे में याद रखना है दोस्तों ये विटामिन ए का रिच सोर्स है, जबकि कच्चा आम जो होता है, जबकि कच्चा आम की जब बात करते हैं दोस्तों तो कच्चा आम में याद रखना है कौन सा एसिड पाया जाता है, कच्चा आम में टर्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड मिलता है कच्चे आम में, टर्टरिक एसिड पाया जाता है, जो कि अंगूर में भी पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न भी है आप लोगों से कि अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, आप लोग बताएंगे अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, ये भी आप लोग बताएंगे। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों लहसुन की, तो लहसुन में भी गंध याद रखेंगे किसके कारण होता है, लहसुन में भी गंध होता है सल्फर के कारण, याद रखना है। और लहसुन भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का स्टेम यानी एक प्रकार का तना है और इसका साइंटिफिक नेम है एलियम, एलियम सटाइवम, क्या है इसका साइंटिफिक नेम, एलियम सटाइवम, ठीक है। चलते हैं अगले उसकी बात करते हैं दोस्तों, याद रखना है रोज यानी गुलाब, गुलाब का साइंटिफिक नेम सिंपल है, सबसे सिंपल रोजा, रोजा जो है ये गुलाब का साइंटिफिक नेम है। जब हम लोग दोस्तों चावल की बात करते हैं तो चावल का ओरिजा सटाइवा और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों ये कहां पर है, कटक में, आप लोगों को पता है। और पी की जब बात करते हैं दोस्तों मटर की, तो मटर के बारे में याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, और इसी मटर के पौधे पर रिसर्च करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज करी थी, जीन की खोज करी थी, जबकि जीन नाम देने वाले कौन थे दोस्तों, जीन नाम दिया था किसने, जोहानसन ने, ये भी आपने याद रखना है, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग अब इसके आगे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यहां तक हम लोगों ने प्लांट के जो महत्वपूर्ण, जहां से प्रश्न बनने वाले थे उन प्लांट्स के मतलब साइंटिफिक नेम की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम की, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आपको पता है हमारे जो अड्डा 247 पर क्या चल रहा है, अड्डा 247 पर बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल चल रहा है, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक, स्टडी मटेरियल या फिर कोर्सेज खरीदते हैं, कुछ भी आप परचेज करते हैं, छोटा से छोटा चीज भी, तो उस पर आपको ये Y175
ये Y175 कोड है दोस्तों, याद रखेंगे। इस कोड को जब आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको 40% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद आप कई सारे उसमें गिफ्ट भी जीत सकते हैं, कैशबैक भी जीत सकते हैं। तो ये Y175 कोड याद रखना है, जब भी कोई परचेस करेंगे आप तो ये कोड लगाना है और 40% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग बात करते हैं इसके आगे। दोस्तों याद रखेंगे, बुलबुल जो बुलबुल होता है इसका साइंटिफिक नाम है मॉलपेस्टिस कैफर। मॉलपेस्टिस कैफर ये किसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों? बुलबुल का। कैट का आप लोगों को पता है दोस्तों, जो कैट है इसका फैलिस डोमेस्टिका, ये कैट का यानी बिल्ली का साइंटिफिक नाम है। चीता की अगर बात करें दोस्तों तो चीता का याद रखना है एकिनोनिक्स जुबेटस, ये किसका? चीता का साइंटिफिक नाम है। और चीता के बारे में याद रखेंगे, ये जो है सबसे तेज चलने वाला प्राणी है। लायन की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखना है कि जो पैंथेरा लियो है ये किसका? लायन का साइंटिफिक नेम है। और एशियाटिक लायन, जो एशियाटिक लायन होता है ना, एशियाई शेर, एशियाई सिंह के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है दोस्तों? गिर नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? गुजरात में। आपने ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग नील गाय की बात करते हैं तो नील गाय का बोसेलेफस ट्रैगो कैमेलस ये किसका? नील गाय का साइंटिफिक नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब हम लोग पीकॉक की बात करते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेवो क्रिस्टेटस ये मोर का साइंटिफिक नाम है, इसे भी आपने याद रखना है। हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है, सारे वैज्ञानिक नामों को शामिल किया गया जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों तो याद रखना है टाइगर यानी बाघ, जिसका क्या है? पैंथेरा टिग्रिसा या पैंथेरा टिग्रिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, आप लोगों को पता है। हॉर्स की बात करते हैं दोस्तों यानी घोड़ा की, याद रखना है इक्वस कैबलस ये इसका साइंटिफिक नेम। और घोड़े पर ही दोस्तों याद रखेंगे किसकी खोज की गई थी? ब्लड प्रेशर की, जो किसने खोजा था? स्टीफन हिल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े पर ही किसकी खोज करी थी? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की खोज करी थी, आपको पता है। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं, तो याद रखना है डॉग जो होता है, कुत्ता का जो साइंटिफिक नाम होता है दैट इज कैनिस फैमिलियर्स, ये कुत्ता का साइंटिफिक नाम होता है दोस्तों, इसे भी आपने याद रखना है। चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं, तो याद रखना है पिजन यानी कबूतर, कबूतर का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज कोलंबा लीविया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलंबा लीविया, ये किसका? कबूतर का साइंटिफिक नाम है, आपको याद रखना है। और वुल्फ यानी कि वेरिया, भेड़िया का साइंटिफिक नाम है कैनिस ल्यूपस, जितने भी ये भेड़िया हो गया, जो मतलब कैट ऐसे जो दिखते हैं ना, उनके नाम के आगे हमेशा आपको कैनिस दिखेगा, है ना, क्योंकि वो कैनिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वॉल्फ का क्या है? कैनिस ल्यूपस। जेब्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना है इक्वस क्वेगा, ये किसका? जेब्रा का साइंटिफिक नाम है, आपने ये भी याद रखना है। चलते हैं आगे, उसकी बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना है कैट यानी बिल्ली, बिल्ली का जो साइंटिफिक नाम है फैलिस डोमेस्टिका या फैलिस कैटस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, फैलिस डोमेस्टिका भी बोलते हैं इसे, ये कैट का यानी कि बिल्ली का साइंटिफिक नाम है। जब हम लोग दोस्तों क्रोकोडाइल की बात करते हैं, क्रोकोडाइल का है क्रोकोडीलिया नीलोटिकस, ये किसका है दोस्तों? ये याद रखना है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ का साइंटिफिक नेम। और क्रोकोडाइल के हर्ट में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। जब हम लोग बात करते हैं लोमरी की, फॉक्स की, तो इसका है कैनिस वुल्पस, ये जो है दोस्तों ये किसका? लोमड़ी का साइंटिफिक नेम है, आपने याद रखना है। चलते हैं हम लोग इसके आगे, आगे की बात करें दोस्तों तो याद रखना है गॉट यानी बकड़ी, बकड़ी का साइंटिफिक नेम है कैपरा हिरकस, ये किसका? बकड़ी का साइंटिफिक नेम है। और हाउस फ्लाई की बात करते हैं दोस्तों यानी मक्खी की बात करते हैं, तो इसका है मस्का डोमेस्टिका। जब हम लोग बिच्छू की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियन, इसका है एरकिनिडा स्कॉर्पियोनिडा, क्योंकि यह एरेक्निड प्रजाति से बिलोंग करता है। किस प्रजाति से बिलोंग करता है बिच्छू? एरेक्निड प्रजाति से बिलोंग करता है इसका, इसलिए एरकिनिडा स्कॉर्पियोनिडा यह इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके आगे, तो याद रखना है जो काव है, काव का यानी गाय का जो साइंटिफिक नाम है वो है बास इंडिकस, ये किसका है दोस्तों? ये गाय का साइंटिफिक नाम है, आपने ये भी याद रखना है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं काव का है बास इंडिकस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, ये भी आपने याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो गाय है, गाय का साइंटिफिक नाम है बास इंडिकस, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के हमारे जो महत्वपूर्ण साइंटिफिक नाम थे उसकी हम लोगों ने चर्चा करी। और दोस्तों आपको ये Y175
ये कोड आप याद रखेंगे, जब भी आपको कोई परचेस करना है अड्डा 247 से, जब भी आप कुछ सामान खरीदेंगे, तो ये Y175 कोड लगाकर आप 40% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इस बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल में। तो दोस्तों आज के जो मतलब हमारे टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो साइंटिफिक नेम थे, लगभग हम लोगों ने 40 से 45 वैज्ञानिक नाम के बारे में देखा, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो वैसे वैज्ञानिक नाम को दोस्तों हम लोगों ने शामिल किया था इस सेशन में। आप लोगों को दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और दोस्तों बार बार मेरा कहना होता है कि आप अपना सजेशन भी जरूर देंगे कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। मैं धीरे धीरे एक एक करके सभी टॉपिक्स को लाऊंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप लोग ना सजेशन देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताते रहिए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और जो नए छात्र देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें एंड हैव ए गुड डे।